सोनी टीवी का सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल आजकल टीवी का वो शो बना हुआ है जिसे बच्चा, जवान और बूढ़ा हर कोई पसंद कर रहा है। जिसे शो टीआरपी चार्ट्स पर भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। दर्शक केवल शो के बारे में ही नहीं, कंटेस्टेंट के बारे में भी जानना चाहते हैं कि उनका बैकग्राउंड क्या था, कहां से गाना सीखा, कितने संघर्षों के बाद आज इतने बड़े शो के चहेते चेहरे बने, वगैरह वगैरह। शो में सबसे ज्यादा बातें जनाबी दास, अजमत हुसैन और सनी सांसी की हो रही है। सनी अपनी गरीबी और कई तरह के संघर्षों को पार करके आज इंडियन आइडल का एक जगमगाता चेहरा बन चुके हैं। हर कोई उन्हें उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब जैसी गायकी के लिए शाबाशी भी दे चुका है। सनी अपनी गायकी और करियर से तो खुश हैं, पर वो अपने रिश्तेदारों से परेशान हो चुके हैं। जी हाँ, सनी ने खुद ये बात कही। सनी कहते हैं कि जब से उनका इंडियन आइडल में चयन हुआ है, न जाने जीवन में क्या क्या हो रहा है। उनके परिवार के दूर दूर से रहने वाले रिश्तेदार भी हर रोज उनके घर पर आने लगे हैं, जबकि पहले कभी उनके घर पर पांव भी नहीं धरते थे। इतना ही नहीं, मामूली परिचित लोग भी अब उसे नजदीक का रिश्तेदार बताने लगे हैं। पहले वो उसे ताने मारते थे, उसकी उम्मीदों को तोड़कर रख देते थे। एकमात्र मम्मी ही उसका सपोर्ट करती थी। किसी तरह कुछ मम्मी से तो कुछ मौसी से पैसे लेकर वह इंडियन आइडल के ऑडिशन में पहुंचा तो यह मुकाम हासिल हो पाया। यह उसके जीवन में भी करिश्मा बनकर आया। सनी ने बताया कि कुछ लोग उसकी गायकी पर उंगलियां उठा रहे थे कि उसने कहीं जरूर गाने की कोई ट्रेनिंग ली है। यह आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। उन्होंने बताया कि जब वह 14 साल का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद उसे परिवार का गुजारा चलाने के लिए बूट पॉलिश करने का बक्सा अपने कंधों पर उठाना पड़ा और गली गली जाकर लोगों के बूट पॉलिश की। गाना सीखने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। सनी ने बताया कि पहले अपने पिता को देखकर गुनगुनाने लगा था तो बाद में नुसरत फतेह अली खान साहब को सुनकर गाने लगा। तो दोस्तों, सनी की ये पूरी कहानी आपको कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, टीवी और बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही चटपटी खबरों के लिए देखते रहें बॉलीवुड झमेला। धन्यवाद।